इलाके में एक और व्यक्ति का शव मिला है। पिछले 24 घंटे में लावारिस चार लोगों के शव मिले हैं। फुटपाथ पर गुजर बसर करने वाले चार लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। आपको बता दें कि भीषण गर्मी में हीट वेव से चार लोगों की और मौत हुई है। छावनी गुमानपुरा अग्निशमन पुलिया के पास ये शव मिला है। रामपुरा इलाके में एक व्यक्ति का और शव मिला है। चारों शवों को MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको कोटा से दे रहे हैं। कोटा के जिला प्रशासन की ये बहुत बड़ी लापरवाही भी बताई जा रही है। पिछले 24 घंटे में लावारिस चार लोगों के शव मिले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, भीषण गर्मी पड़ रही है और इसी के कारण बताया जा रहा है कि चार लोगों की मौत हुई है, पहचान हो पाई है कहां के ये लोग रहने वाले, क्या जानकारी? देखिए, चारों लोगों के शवों को MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। हालांकि एक रामपुरा इलाके के जो व्यक्ति की थोड़ी ही बहुत पहचान हुई है, लेकिन स्पष्ट कारण मौत के किसी के बारे में कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा। लेकिन सभी की मौत संदिग्ध है और भीषण गर्मी में ये सड़क किनारे ही जो रहते हैं गुजर बसर करते हैं, और वहीं भीषण गर्मी में क्योंकि सड़क पर झुलसाती तपती गर्मी में निश्चित रूप से कहीं कहीं जो मौत का कारण है वो यही माना जा रहा है। और अज्ञात चारों व्यक्तियों के शवों को MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चारों की मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस तरह से सर्दी में या किसी अन्य मौसम में जिस तरह से जिला प्रशासन द्वारा इंतजाम किए जाते हैं, वैसे के वैसे भीषण गर्मी में जब 45 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है, ऐसे स्थिति में जिला प्रशासन के जो तमाम प्रयास है वो नाकाम साबित हो रहे हैं। और जो दिहाड़ी मजदूरी है, जो लोग इधर उधर मांग के खाते हैं, यहाँ फुटपाथ पे गुजर बसर करते हैं, उन लोगों को रहने के लिए छाया पानी तक उपलब्ध नहीं हो पाता है, ऐसी सिचुएशन में मौत के कारण कहीं कहीं बनता है। फिलहाल गंभीर बता देखिए, मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं जिस हिसाब से हीट वेव और गर्मी देखने को मिल रही है। प्रशासन की तरफ से भी कोई बयान सामने आया क्या, जब ये चार लोगों की तबीयत खराब हुई तो कोई उनको अस्पताल लेकर के नहीं पहुंचा समय रहते? देखिए, आंकड़ा इनसे भी कहीं और अधिक हो सकता है। जिला प्रशासन के तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं, दिखावा साबित हो रहे हैं, कागजी कार्रवाई तक कही जा सकती है। क्योंकि शहर सहित ग्रामीण अंचल के कई ऐसे इलाके हैं जहां पुलिया के नीचे सड़क किनारे या चौराहों के आसपास जो मांग के खाने वाले दिहाड़ी मजदूरी सहित अन्य जो लोग हैं वो गुजर बसर करते हैं, सड़क के किनारे ही सो जाते हैं, और ऐसी गर्मी में जब 45 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है तो निश्चित रूप से उनको छाया की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, और उनके शरीर में पानी की जब कमी हो जाती है और समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं तो निश्चित रूप से ये मौत का एक बड़ा कारण हो सकता है। फिलहाल जिला प्रशासन इस मामले में ज्यादा कुछ कहने से बच रहा है, उनकी तरफ से कोई इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन फिलहाल क्योंकि लेटेस्ट मामला है, चारों के शवों की शिनाख्त अभी तक नहीं हुई, मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन बड़ा सवाल कि एक के बाद एक जो कोटा की गर्म सड़कें हैं वो लगातार लाशें उगल रही है। 24 घंटे में चार लोगों की संदिग्ध मौत के बाद निश्चित रूप से पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचना लाजमी है। लेकिन फिलहाल इस मामले में किसी बड़े अधिकारी का बयान सामने नहीं आया है। अलग अलग थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, मृतकों के जो परिजनों की तलाश में जुटी हुई है, सामाजिक संस्था के सहयोग से पहचान नहीं होने के बाद परिजनों की पहचान नहीं होने के बाद आप बता रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है और लगातार मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। ओम प्रकाश, अभी जागरूक करने के लिए क्या किया जा रहा है? प्रशासन क्या लोगों के बीच पहुंच रही है, उनको बता रही है कि आप हीट वेव है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ऐसी सड़कों पर मत निकलिए, किस हिसाब से जागरूक किया जा रहा है लोगों को? प्रशासन के इस तरह के कोई खास प्रयास नजर नहीं आते, सार्वजनिक कोई ऐसे प्रयास नजर नहीं आते। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा हालांकि डेंगू मलेरिया की जो रोकथाम के लिए जो सर्वे किया जा रहा है उस दौरान जरूर समझाइश की जा रही है। हालांकि संभाग के सबसे बड़े अस्पताल लू ताप के वार्ड बनाए गए हैं। प्रकाश, आप लाइन पर बने रहिए। और कोटा का प्रशासन कहाँ है ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि लगातार देखिए मौत के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई तरीके के सवाल हम पूछ रहे हैं कि सड़क पर जब लोग मर रहे हैं तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि लगातार देखिए फुटपाथ पर जो लोग रह रहे हैं, रैन बसेरों में रहते हैं, उनको काफी परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी से आखिर निजात कौन दिलाएगा, ये सवाल हम कर रहे हैं। कहाँ है कोटा प्रशासन,
जब सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं, सड़कों पर इस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? जिम्मेदारी कौन लेगा? जो सड़क पर लोग मर रहे हैं, कई तरीके के सवाल जो है वो अब खड़े होते हुए दिख रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है। लगातार सीएम भजनलाल के द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन कोटा से जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है, मौत का आंकड़ा यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और न्यूज 18 राजस्थान कई तरीके के सवाल खड़ा कर रहा है कि सड़क पर जब लोग मर रहे हैं तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भीषण गर्मी से आखिर निजात कौन दिलाएगा? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है, एक तरफ तो देखिए जिस हिसाब से गर्मी और हीट वेव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन कोटा से जो अपडेट है, यहाँ पर 24 घंटे में 4 लोगों के शव मिले हैं, आखिर प्रशासन कहाँ है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, हैरान कर देने वाला वाक्या है, सवाल उठाने वाला वाक्या है, और सवाल उठना लाजमी है कि 24 घंटे में 4 अलग अलग इलाकों में 4 अलग अलग शव का निश्चित तौर पर बेहद गंभीर विषय है, गंभीर मामला है। और इन सबके बाद में आखिर प्रशासन कहाँ है, प्रशासन की कार्यशैली की, आखिर तमाम दावे कि भाई तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, खुद कोटा जिला कलेक्टर की तरफ से कहा गया कि भाई अस्पतालों में ये इंतजाम किए गए हैं, लेकिन वो इंतजाम किस तरह के हैं, शहर की सड़कों पर कहाँ है, शहर की सड़कों पर आखिर वो बेसहारा लोग, वो असहाय लोग, वो गरीब तबका जिसके पास अपनी खुद की घर नहीं है, अपना खुद का छत नहीं है, तो ऐसे में उनके लिए व्यापक स्तर पर जमीनी धरातल पर क्या इंतजाम आते हैं। तो ये जो 400 मिले हैं वो अपने आप में इस घटना के बाद में सवाल उठता है, और सवाल उठ रहा है कि आखिर वो इंतजाम जमीनी धरातल पर क्यों नजर नहीं आए, आखिर इन 4 जो मौतें हैं, इन 4 मौतों की वजह क्या है, इसका इन्वेस्टिगेशन आखिर होगा या नहीं होगा, क्योंकि मोटे तौर पर फिलहाल प्राइम ऑफ ऐसी जो माना जा रहा है वो यही कि हीट वेव जिस तरह से चल रही है, कोटा में तापमान पारा जो है वो 47 डिग्री को पार कर गया है, और इन सब के बीच में भीषण गर्मी जो जानलेवा है वो आखिर उस तबके पर भारी पड़ रही है जो शहर की सड़कों पर है, जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है, जिनके पास अपनी खुद की छत नहीं है प्रॉपर तरीके से, जिनके पास में इंतजाम नहीं है गर्मी से बचने के लिए, जिनके पास में संसाधन नहीं है, आखिर उस तबके का क्या होगा, और अपने आप में ये सवाल फिलहाल उठ रहा है जैसे ही ये 400 मिले हैं। बिल्कुल, ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, लगातार जो अपडेट आप दे रहे हैं उसमें यही कि प्रशासन की यहाँ पर लापरवाही देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है, जो लोग सड़कों पर रह रहे हैं, गर्मी से परेशान होते हुए दिख रहे हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है, ये तो कई तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही है। क्या अभी किसी प्रशासन या अधिकारी की तरफ से कोई बयान सामने आया है कि कैसे इन लोगों के लिए मदद की जा रही है? देखिए, जिला प्रशासन द्वारा के किसी अधिकारी का किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि एक ही दिन में 4 लोगों की मौत, और वो भी जो फुटपाथ पर सोने वाले लोग की मौत के बाद, निश्चित रूप से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी मिलनी बाकी है, पूरी तरह से तस्वीर साफ होनी बाकी है, लेकिन चारों लोगों के शवों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई, और पूरी तरह से ये माना जा रहा है कि जो मौत हुई है वो हीट वेव के चलते, भीषण गर्मी के चलते, उनके शरीर में कहीं कहीं पानी की कमी के चलते उनको छाया उपलब्ध नहीं हो पाई, पानी उपलब्ध नहीं हो पाया, और फिर इस भीषण गर्मी में वो कहीं कहीं समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए, जिला प्रशासन के जो प्रयास है वो कहीं कारगर साबित नहीं हो पाए, जिला प्रशासन द्वारा उनको चिन्हित भी नहीं किया गया। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से दूसरे मौसम में इंतजाम किए जाते हैं, सर्दी में इंतजाम किए जाते हैं, वैसे की वैसे भीषण गर्मी में जब 45-46 डिग्री के आसपास पारा पहुंचा हुआ है, इस ऐसे समय में जब दिहाड़ी मजदूरी हो, जब चाहे कोई भी जो खानापदोश लोग हो, जो सड़कों पे खुले में सोते हो, आसपास छाया उपलब्ध नहीं होती है, उन लोगों को चिन्हित कर उनको खास इंतजाम किए जाने की आवश्यकता होनी चाहिए, वो आवश्यकता कहीं नजर नहीं आ रही है, और जिला प्रशासन के इस तरह का कोई प्रयास नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कहीं तरह की जागरूक करने का दावा जरूर किया जाता है, कलेक्टर द्वारा भी जब अस्पताल में दौरा किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, तब भी मरीजों और उनके परिजनों को और जो अस्पताल प्रबंधक को, कई तरह के जो अस्पताल के जो वरिष्ठ चिकित्सकों को भी इस तरह के जो निर्देश दिए जाते हैं। हालांकि अस्पतालों में कुछ व्यवस्था जरूर दिखती है, लेकिन जहां शहर की सड़कें, खुली सड़कें, जहां भीषण गर्मी में ये लोग तड़प तड़प कर जब किस तरह से दम तोड़ देते हैं और मौत का कारण स्पष्ट सामने नहीं आता है, उसको वो समय पर अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते, तो निश्चित रूप से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, और इन सवाल का जवाब फिलहाल जिला प्रशासन के किसी अधिकारी के पास नहीं है। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि चारों मृतकों के शवों को MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, गुमानपुरा, रामपुरा सहित अन्य थाना पुलिस जो है
मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी जुटाने में जुटी है। जिस हिसाब से लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, चिंता का विषय है और आप जवाब भी लीजिएगा, प्रशासन के पास जब जाइएगा वहां से अधिकारियों से जरूर पूछिएगा कि आखिर प्रशासन कहां है, क्योंकि सड़क पर जो लोग मर रहे हैं उनके आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिम्मेदारी कौन लेगा। और न्यूज 18 राजस्थान कई तरीके के सवाल भी खड़ा कर रहा है, इस पर हमारी पूरी नजर बने रहेगी। लेकिन यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।